जी मुनीष जी, हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे आप? आपका नमस्ते सर। हो सकता है कैमरा, सो कैन आई सी, आई कैन सर एक सेकंड, मुझे मैम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे एक सेकंड। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। यस सर जी सर, नमस्ते सर। आप कैसे हो रहा है सर? नागपुर में तो टेम्परेचर आ गया होगा, नागपुर में तो गर्मी हो गई होगी ना? हाँ सर, अभी दिन में तो है, रात में फिर थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है, मगर फिर ओवरऑल आप बोलेंगे नागपुर थ्रू आउट ऑल द ईयर गर्म ही रहता है। हाँ, नहीं, मेरा वहाँ एक स्टूडेंट था ऑलरेडी, क्या नाम था उसका? सुजीत, सुजीत सुजीत एक लड़का था जो वहाँ मेरे से लैपटॉप रिपेयरिंग सीख के गया था। अभी बाद में शायद वो कुछ और भी करने लगा था। सो इनिशियली हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग में थे, लैपटॉप रिपेयरिंग सिखाते थे लोगों को। सो अभी आप लोग की सेवा कर रहे हैं हम डेटा रिकवरी में। बहुत नेक काम है सर। तो मुझे आप अलाउ करिए कि हेड ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ रिजल्ट आए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अलाउ करें मेरे को, तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारी ये पॉलिसी है, बिकॉज ऑफ डेटा प्राइवेसी हम विदाउट विदाउट कस्टमर कंसेंट कोई डेटा नहीं हाँ, बोलते। इसके दो पर्पज होते हैं, एक तो आपको डेटा को देख के आपके चेहरे पे जो खुशी होती है वो मुझे पैसों से ज्यादा बड़ी लगती है। जी हाँ सर। दूसरी एक ये है कि हमें मालूम चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तीसरी बात, एग्जैक्टली डाटा प्राइवेसी, आपकी परमिशन हम कोई फाइल कभी नहीं खोलते। ओके ओके तो आप अलाउ करेंगे तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। डेफिनेटली सर, प्लीज 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 गो अहेड। तो अभी भी काम चल रहा है वैसे इसके ऊपर जो आपका केस है, हाँ जी लेकिन कल जो चैलेंज आज दोपहर बाद वो चैलेंज से मैं ओवरकम करके एक्चुअली आपका जो ओके डेटा था वो मोस्टली डेटा इसमें केमियोग्राफी के अंदर है, हाँ यस सर। और इसके अंदर मैं डेटा देख ही नहीं पा रहा था। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया है, देन हाँ आई एम, जी आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? तो हाँ यस सर, यस सर। इसमें जैसे आपने बताया था अनिमजी वेडिंग हाँ एग्जैक्टली जी हाँ जी हाँ जी हाँ और समीक्षा वेडिंग लाइक स्वाति नीलेश, मोस्टली डेटा आपका इसी यस हाँ जी यस 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 So, आप कोई नहीं फोल्डर खोल के देखना चाहते हैं तो बताइए, इसमें से कौन सा मैं आपको दिखाऊं? स्वाति सर कोई भी कर सकते हैं, स्वाति नीलम आप ओपन कर सकते हैं, स्वाति स्वाति नीलम स्वाति नीलम वेडिंग वेडिंग प्री वेडिंग, राइट? सो यस इसमें ठीक है कोई भी वीडियो में प्ले करके देख सकता हूं? श्योर सर। थैंक यू वेरी मच। एंड ये जो वीडियो होते हैं हम ये शेयर करते हैं, तो उस समय में इस डेटा को हम ब्लर कर देते हैं। यदि आप परमिशन देंगे देन हम यूट्यूब या फेसबुक पर शेयर भी करते हैं, सो दैट दूसरे हम जैसे आप जैसे भाइयों को उससे लाभ हो एग्जैक्टली एग्जैक्टली काम कैसे करें, है ना? तो चलेगा ना, नॉट एन इश्यू सर। मतलब आप लोग मतलब यू इफ यू कैन रीच आउट मोर फोटोग्राफर्स इट विल बी रियल हेल्पफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स व्हाई, बिकॉज़ ऑफ वी आर नॉट रीचिंग टू द पीपल बिकॉज ऑफ दे अज्यूम दिस पर्सन इज इन द रॉन्ग प्लेस, ही माइट बी लाइक दैट द राइट प्लेस। एग्जैक्टली द वीडियो इज ऑल राइट सर। इज इट विजिबल? सर इज इट बिकॉज ऑफ द जूम मीटिंग वी आर फाइंडिंग इट, थोड़ा सा उसमें लैग दिख रहा है कि वो वहां पे वो प्रॉपर प्ले लैग हो रहा है, आपको यहाँ दिखेगा, नहीं पर हमारे इशू यहाँ आ पे रहा लैग नहीं है, वो लैग आपको जरूर दिखेगा, वो तो एनी डेस्क के थ्रू भी है। ओके देखेगा। ओके हाँ ठीक है, इट माइट बी बिकॉज ऑफ द जूम यस। नो, नॉट ऑफ ओके 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 बिकॉज़ या आइदर यू आर गोइंग थ्रू बी बिकॉज़ वी आर नॉट इन माय मशीन, इट्स प्लेइंग लाइव, बट व्हेनेवर यू आर जस्ट वाचिंग इट थ्रू द जूम देन बैंडविड्थ इज अवेलेबल देयर, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंडविड्थ। ओके साइज इज हैवी, द साइज इज हैवी हाँ दिस, हाँ एग्जैक्टली या सो दैट्स व्हाई ट्रांसमिशन इज अ बिट लाइक पुअर। दिस इज द लास्ट वीडियो, यस 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 इट इज सपोज टू बी द लास्ट वीडियो यस। ओके ओके ऑल राइट सर, वंडरफुल सर, गुड आर्टिस्ट विंड इज फेस वंडरफुल कैमरा फर्स्ट टाइम एंड इट इज गिविंग वेरी गुड, यू नो।
या ग्रेट. यस एनीवन एल्स? सर द वेडिंग सर उसी के नीचे वाला फोल्डर इसी के नीचे वाला. स्वाति नीला वेडिंग, राइट? यस सर ओ माय गॉड. एनी फाइल फ्रॉम द वेडिंग फोल्डर एनी फाइल, ब्राइट साइड, मेहंदी, बताइए कौन सा खोलूं. सर उनके वेडिंग का फोल्डर यस द लास्ट फोल्डर वेडिंग राजू जेड सिक्स वीडियो आपके फोटोग्राफर्स होंगे. आई यस सर अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड. सो किसका खोलूं? जेड सर जेड सिक्स वीडियो सिक्स वीडियो. ओके ऑसम. कौन सा प्ले यस करूं, पहला और सर कोई आगे? भी फाइल चलेगा नहीं, नॉर्मली यस 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 ओके फोटोग्राफर भैया हमको क्या कीजिए, पहला दिखा दो और आखिरी दिखा दो. हाँ उससे एश्योरिटी मिल जाती है पूरा डेटा है कि नहीं ओके सो देर आर 176 ऑब्जेक्ट फाइल्स इन दिस. ओके हाँ दिस इज द लास्ट. ओके 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 ऑल राइट ठीक इट्स फाइन. है यस ओके, सर यस सर ग्रेट ग्रेट. ठीक थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी एंड एनी अदर. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी सर आई एम रियली थैंकफुल कि आपने उसे रिकवर कर दिया रियली थैंकफुल मतलब मैं अभी इतने स्ट्रेस में हूँ इनफैक्ट कि स्वाति नीलम का मैं आपका फोल्डर इस वजह से ओपन करके भर रहा हूँ बिकॉज दे आर बैंगिंग मतलब वो कंटिन्यूसली उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे डेटा हो रहा है रिकवर नहीं हो रहा है एंड वो ट्रांसपेरेंसी मैंने उनके साथ भी रखा था इनफैक्ट मैंने आप लोगों का जो चैट है और आप लोग के बारे में भी मैंने उन्हें शेयर किया मैं बोला कि आप एक बार सिर्फ यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिए मैंने कहाँ पे मैंने आई अंडरस्टैंड. तो ताकि उनको भी वो ट्रस्ट बिल्ड हो तो मैंने इस वजह से आप लोग के चैट्स वगैरह के कुछ स्क्रीनशॉट उनके साथ में शेयर किया कि सो दैट हाँ उनको लगे कि मैंने कहीं पे भी नहीं दे दिया मैंने एक ऐसे ट्रस्ट पर्सन को दिया है जो हाँ जो डेटा रिकवरी में एक्सपर्ट है तो आई एम रियली थैंकफुल सर मतलब आई जस्ट होप कि सर पूरा डेटा उसमें हो जाए प्रॉपरली रिकवर बस थैंक्स टू यूनिवर्स एंड माय टीम हु हैज ट्रांसप्लांटेड द हेड एंड फर्स्ट वेरी एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट थिंग द डोनर. डोनर वाज बिग चैलेंज because of in the अच्छा segment of ओके 2 TB hard drive more donor are available, but in segment of 6 TB and big size donor availability is हाँ poor. So ओह ओके that boy is not here today who has daily roam into the market and find out the donor. ओह Is a big challenge, स्पेशल थैंक्स यू स्पेशल right? Yes. थैंक्स यू यस You come, come, come. She is Niru. She transplant the head. Have you ओह थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच वेलकम. मैम आप नागपुर में आइए इनफैक्ट सर आप लोग के टीम में से कोई भी आप प्लीज डू टेल मी मतलब यस, आई विल बी रियली थैंकफुल अगर आप लोग कभी भी विजिट कर सके ना आई कैन मीट यू एंड आई कैन थैंक यू पर्सनली सबसे पहले आपको थैंक यू इस बात के लिए. मैं पहले बोलता हूं कि आपने मेरे एक वीडियो की कॉल पे मेरे पे ट्रस्ट किया और अपना हाँ वैल्यूबल डेटा हार्ड डिस्क हमको भेजी. इसके लिए मैं आप सबका सच में बहुत मतलब हाथ जोड़ के मैं आपको सबको प्रणाम भी करता हूँ कुछ विश्वास के लिए. सर नहीं मतलब सॉरी टू इंटरप्ट मगर सर यू वोंट बिलीव कि शायद सिर्फ जिस दिन ही हुआ उसके शायद एक वीक पहले ही मैंने आपके यूट्यूब का एक वीडियो देखा था एंड मैंने उसी टाइम पे वो सब्सक्राइब भी कर लिया था एंड मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था कि बाय चांस अगर वो स्किप हो जाए एंड मुझे फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े पढ़ना नहीं चाहिए मगर फिर ऐसा हुआ कि एक वीक बाद ही वो हो गया एंड द फर्स्ट थॉट जब वो हार्ड डिस्क मेरे सामने नीचे गिरा तो मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे मुझे आप ही का चेहरा दिखा मैं बोला बस फिर मैंने मैंने बिल्कुल नहीं सोचा एंड जिस दिन गिरा या जिस मोमेंट पे गिरा मैंने उसके हाफ एन आवर के अंदर मैं आपका नंबर सर्च किया एंड यू आर द ओनली पर्सन जिसको मैंने कांटेक्ट किया मैंने ऐसा भी नहीं कि नागपुर में भी ऑप्शंस है मगर फिर मतलब वो थॉट्स मेरे आई न्यू कि मुझे कहाँ भेजना है एंड आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट तो मैंने इस वजह से डायरेक्टली फिर मैंने आपको अप्रोच किया मैंने और कोई कोई जगह क्योंकि एक बार ओपन हो जाए फिर हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कम हो जाए तो फिर मैं वो चाहता ही नहीं था इस वजह से मैंने डायरेक्टली आप लोग के पास ही भेजा थैंक यू सो वेरी मच. एक्चुअली ओपन हार्ड ड्राइव हम एक्सेप्ट ही नहीं करते. हमें मालूम नहीं होता है कि उसने क्लीन रूम में खोला है कि नहीं जी खोला है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है. पर जी जैसा हाँ जी हाँ लगा खुलने के बाद आपने इसको पावर अप भी शायद नहीं किया है, या खुलने गिरने के बाद पावर अप किया था इसको? सब मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट जब
ये गिरा, ये हम लोग ने एक नया डॉग लाया, तो वो एकदम 1 मंथ का बेबी है, उसके चेहरे में अटका, वो नीचे गिर गया। एंड जब वो गिरा, मैं एक्चुअली बहुत शॉक में था, बिकॉज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था उसमें। एंड वो तब वहां पे उसका फोल्डर का नाम दिख रहा था, फोल्डर डिसअपीयर नहीं हुआ था, हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, वहां पे दिख रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैं थोड़ी देर रुका एंड मैंने फिर उसे डबल क्लिक किया कि अगर बाय चांस अगर एक्टिव होगा, अगर लाइव होगा, तो मैं उसका डेटा कॉपी पे लगा देता हूँ। तो फिर मैंने जैसे फोल्डर में एंटर किया, तब फिर वो बंद हो गया, तो फिर मैंने उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने उसको फिर एक बार भी मैंने ऑन नहीं किया। वही मैं बोल रहा हूँ, आप यदि इसको बार बार लगा के देखते हैं तो ये एक भी फाइल आपकी मिसिंग नहीं है। जनरली है ट्रांसप्लांटेशन के केस में फाइल्स मिस होती हैं, ओ नहीं, आने दो। मैंने करेक्ट। ओपन तो मैंने ऑन तो मैंने एक बार भी नहीं किया। सो आपके माध्यम से मैं लोगों को हाथ जोड़ के विनती ये भी करूंगा, जब ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे या फेसबुक पे, कि यदि हार्ड डिस्क गिर गई है तो उसको दोबारा पावर अप नहीं करना। 1% केस में कभी डाटा आ भी सकता है, बट मोस्टली नहीं आएगा, और उल्टा हार्ड अच्छा, डिस्क के हेड खुद को डैमेज करने लगते हैं, प्लेटर को डैमेज करने लगते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो यदि हार्ड डिस्क गिर गई है और आपने बड़ी मतलब सच माई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये भी सोचा कि नहीं अभी छूना नहीं है इसको, क्योंकि यस इट इज वेरी नहीं ट्रू कि यदि फंबलिंग शुरू हो गई है, हेड्स को प्रॉब्लम हो गई है, तो वो प्लेटर पे कभी कभी यस, जो स्लाइडर्स होते हैं वो प्लेटर को डैमेज करते हैं। डैमेज करेंगे। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली उस कंडीशन में क्या होता है कि नए हेड भी, जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर हेड को ऑन करूंगा तो नए हेड हाँ भी जी, वहां खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको बोला अच्छा गया, ओके, इसलिए आपको बोला गया होगा कि जो हेड्स का डोनर का प्राइस है वो नॉन रिफंडेबल है। समझ यस यस गया यस ना, क्योंकि यस हमें भी जी मालूम हाँ नहीं होता वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हाँ बिल्कुल 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 आई रियली अप्रिशिएट मोनेश की, यू सच यू रियली डिड अ वंडरफुल थिंग। मींस चाहे इंस्टिंक्ट पे किया या कुछ भी किया, कि मोस्टली लोग वापस पावर लगा लगा के उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, मतलब मेरे लिए तो डेटा सबसे इम्पोर्टेंट था, तो मतलब मेरे मन में वही था कि जैसा है वैसा पैक करो, आपसे आधे घंटे में बात हुआ। एंड मेरे मन में कोई सेकेंड थॉट नहीं था, मतलब इट वॉज वेरी क्लियर कि हाँ भेजना है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं उसके प्लग करके वापस से चालू हो जाए, मगर मैं वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता था, बिकॉज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ये चलता था कि आपके पास आ जाए एंड आप मुझे बोलते थे नहीं आपका डेटा तो बराबर ही है, आप वापस रिटर्न ले लो, मुझे वो चलता था। मगर फिर मुझे पता है कि अगर मैं उसके कुछ भी करके ट्रबल दे रहा हूँ अगर हार्ड डिस्क को, और मेरे डेटा लॉस के चांसेस है, तो वो मैं रिस्क ले नहीं सकता। इसे मैंने चालू तो मैंने बिल्कुल ही नहीं किया था उसे, मैंने फर्स्ट मैं वो मेरे मन में थॉट ही नहीं आया कि मैं चालू करके भी देखो। That's why Monish, I am एंड ठीक है, appreciating. लकीली वो चीज काम आ गया, तो इट इज रियली गुड। That's why I am appreciating you. कि आपको वो थॉट ही नहीं आया, यदि थॉट आ गया होता तो 100% आप डाटा लॉस करते, क्योंकि इसमें हेड नंबर अच्छा वन को, हेड नंबर वन स्ट्रगल कर रहा था। जो हमने हेड चेंज किया तो जो हेड हाँ नंबर वन जी है वो स्ट्रगल कर रहा था। ये देखो ये इसका, ओ ये जो डोनर ढूंढ के लाया बच्चा, ये डोनर है इसका जो इसमें लगा है। अब आपके खराब हेड इसमें, ओके ओ तो बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि डोनर मिलने में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता जी हाँ जी हाँ जी हाँ है। मैं इसलिए आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने इसको बार बार पावर अप नहीं किया। एक आध बार लगाओ तो शायद उतना तो नुकसान नहीं होता, लेकिन बार बार लगाने बहुत डैमेज होता है हार्ड डिस्क को, बहुत नुकसान होता है। हाँ जी। सो अभी कोई और फोल्डर मुझे आपको खोल के दिखाना है क्या? सर नहीं, ऐसा सच नहीं, अगर आपको सर लग रहा है पूरा डेटा रिकवर हो गया है, तो फिर वो सब मुझे ऐसा सच नहीं, बिकॉज अगर प्रॉब्लम रहता तो शायद ये भी ओपन नहीं होता था। तो सर आई ट्रस्ट यू एंड आई बिलीव कि चीजें पूरी रिकवर हो गई होगी, तो चलेगा सर बिल्कुल। ऐसा अभी अभी ऐसा रिकवर मुझे नहीं, हर एक फोल्डर इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी रिकवर नहीं हुई है, अभी क्लोनिंग चल रही हाँ जी हाँ जी है ना। हाँ जी जी अभी हम जी क्लोनिंग जी कर जी रहे हैं तो संडे हम यूटिलाइज कर लेंगे और संडे में कॉपी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये मशीन तो अच्छा लग सर, मगर फिर ओवरऑल जितना भी डेटा था वो सब हो जाएगा ना रिकवर? हाँ, मुझे अभी तक बैड सेक्टर दिखाई, मतलब जो बैड सेक्टर आए थे अभी 100 150, वो मैंने रिराइट कर हाँ कर, ओके सॉरी रीअटेम्प्ट कर करके क्लियर कर लिए हैं। तो बहुत थोड़ा ओके अलाउ मी टू, या श्योर सर प्लीज। सो एंटायर डेटा इसके अंदर 1500 GB के आसपास है, 1500 GB, राइट। अच्छा ओके हाँ इसे हम अभी तक जो रीड कर चुके हैं वो ये ऊपर वाले सेक्टर्स हैं, ये भी रिमेनिंग है।
सो जो रिमेनिंग अच्छा सेक्टर्स हैं ओके वो अभी 26 GB का एरिया अभी ऐसा है जो अभी रीड नहीं हुआ है, अच्छा ओके तो मोस्टली हो गया है बट 26 GB का डेटा ऐसा है जो अभी रीड नहीं हुआ है। हाँ वो भी कर लूंगा थोड़ी बहुत देर में, बट रात को मैं इसमें यहाँ पे सिस्टम में बैकअप ड्राइव लगा के जाऊंगा सो दैट संडे यूटिलाइज हो जाए और हम मंडे को आपको ओके डिस्पैच ओके कर जी दें, मंडे को हम आपको डेटा डिस्पैच सर, कर दें। ठीक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। है, माय प्लेजर। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे हाँ जैसा जी जैसे डोनर फाइंड होने में जो टाइम लगा वो तो मैं समझता हूँ वो हमारे हाथ में नहीं होता है। सो आपको हाँ आपको जी लगता है, आपको लगता है हमारी सर्विस ठीक थी, अच्छी थी? तो बहुत अच्छी थी, मतलब इनिशियल कंसर्न, क्योंकि मेरी जब इनिशियल बात थी मुझे, मैं एकदम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा उसका, मगर उन्होंने जब कि आपका डेटा 10 से 12 दिन में आप लोग उसे ले, एंड एक वीक निकल चुका, तो मेरा कंसर्न बढ़ गया कि क्या पता शायद हो रहा है कुछ प्रॉब्लम, तो मैं इससे से डरा हुआ था, मगर फिर नहीं, आई बिलीव कि हाँ जो उन्होंने बोला वो प्रॉपरली डिलीवर हुआ, तो आई एम मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम कि हाँ सभी लोगों ने प्रॉपरली कोऑर्डिनेट भी किया, एंड हाँ थोड़ा सा टाइम लगा है, मुझे भी वो समझ में आ रहा है कि डोनर फाइंड करने में टाइम लगा, मगर ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, मतलब उसमें हमें आपके पीछे बार बार फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग के एंड से मुझे आ गए, तो इट वॉज रियली गुड। थैंक यू वेरी मच। तो आप चाहते हैं दूसरे लोगों को ऐसी सर्विस मिले? डेफिनेटली सर, मतलब मैं तो चाहूंगा कि हर एक फोटोग्राफर के कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका नंबर रहना ही चाहिए। तो आप मुझे अभी अपने जो फोटोग्राफर आपके ब्रदर्स हैं जो आपके भाई हैं उनमें से कुछ 4-5 नंबर दे सकते हैं? डेफिनेटली सर, मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आप मेघा को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और मुझे दे सकते हैं तो अच्छा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी बिल्कुल क्या सर, फील है इसे? बिल्कुल सर, इमीडिएटली आफ्टर ये डिस्कनेक्टिंग द कॉल मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ऑसम, थैंक यू वेरी मच। सो और कोई क्वेश्चन है आपका? सर बस इतना है कि बस डेटा रिकवर हो जाए, मैं क्लाइंट को डिलीवर कर दूं, दैट्स इट, थोड़ा बस। सा बचा है। अगर अगर बाय चांस सर अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ डेटा रिकवर नहीं हो रहा है, तो सर प्लीज मुझे बस वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा जो नहीं हो रहा होगा। नहीं, अभी अभी तक जो स्टेटस है वो क्लियर है। अभी तक जो अभी 26 GB का जो हिस्सा बचा हुआ है क्लोन होने से, मुझे नहीं लगता है उसमें कुछ डेटा हाँ बचने जी वाला। ऑलमोस्ट आपका डेटा आएगा। इवन ओके आपको ये बोला है ग्रेट अभी तक ग्रेट मिस ग्रेट एक भी फाइल मिसिंग नहीं है, अभी तक एक भी फाइल मिसिंग नहीं है। ओ ग्रेट 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 ग्रेट, व्हाट अ रिलीफ, थैंक यू सो मच सर, तो पैसों से ज्यादा जो आपको इस समय ठीक में है। जो रिलीफ मिल रही है मुझे उससे ज्यादा नहीं रिलीफ मिल सर रही पैसे तो, हाँ थैंक यू सो मच सर, है। आई एम मुकेश, आई एम अप्रोचिंग 59, सो आई एम रियली हैप्पी अच्छा यू डोंट बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों की एनर्जी मेरे अंदर लुक आती है, जब आप खुशी देते हो मेरे अंदर लाइक से खुशी मिलती है। देखिए, आप खुशी में किसी के हिस्सेदार बनते हो ना, तो डेफिनेटली यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो एक बार मेरे से पूछ लीजिए और सर, मेघा को रेफरेंस दे दीजिए सो दैट हम ज्यादा लोगों को एक्सपोज नहीं करें। थैंक एब्सोल्युटली चलेगा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। यू।